कृषि कानून की वापसी वाले विधेयक कल संसद में होगा पेश। पीएम ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कई देशों से लगी पाबंदियों से परेशान हुआ दक्षिण अफ्रीका, बोला कोरोना का नया वेरिएंट पता लगाने की मिली सजा। उद्धव सरकार के दो साल पूरे, सरकार मना रही जश्न तो विपक्ष खोलेगा मोर्चा। हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए आमिर के घर पहुंचे एमसी नेता उमर अब्दुल्ला, पूछा क्या कुल जम्मू का हिस्सा नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले मेरे घर की हो रही रेकी, मुझे फंसाने की है कोशिश। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। हरदोई के संडीला विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी एक संयुक्त रैली आयोजित हुई है। रैली के दौरान दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की बदहाली के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया है। बता दें कि हरदोई के जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर भरावन के एक मैदान में इस संयुक्त जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचे थे। पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण दोनों नेताओं को सुनने के लिए जनसभा स्थल पर सुबह से ही भारी भीड़ मौजूद थी। अभी भी गन्ने का बकाया है, अभी भी गन्ने का बकाया नहीं दे पाए, और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये बताना चाहिए कि जिस तरीके से अंग्रेज मारते थे गोली आगे से, जलियांवाला बाग नहीं याद किया लोगों को, इन्होंने पीछे से गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर, किसान कुचल दिए गए, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री अच्छे हैं जो लैपटॉप ही चलाना नहीं जानते, वो क्यों बांटेंगे लैपटॉप आपको? और मुझे तो किसी ने ये भी बताया है कि वो मोबाइल भी चलाना नहीं जानते, तो स्मार्टफोन क्यों देंगे किसी? भारतीय जनता पार्टी पे विकास और काम और खुशहाली के मुद्दे नहीं हैं। उन्हें बताना चाहिए कि डीजल पेट्रोल जितना महंगा किया है, लास्ट क्वार्टर में ONGC को 600 गुना मुनाफा हुआ। आप सवाल पूछिए उनसे कि एक तरफ गरीब की जेब से आप नोट ले रहे हैं और किसकी तिजोरी भर रहे हैं आप, आखिरकार ये मुनाफा जा कहां रहा है? फतेहपुर के चांदपुर के सठी गांव में कथा व्यास स्वामी अध्यानंद महाराज ने भगवान राम की बाल लीला राम वनवास भरत का राज्याभिषेक का वर्णन किया। कथा व्यास ने भगवान राम के वनवास का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि दासी मंथरा ने कैकेयी को पुत्र प्रेम के मोह में बांधते हुए राम के स्थान पर अपने बेटे भरत को राज्याभिषेक करने की बात कही। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ को दिए गए वचन की याद दिलाते हुए बेटे भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास देने की बात कही। अलीगढ़ में एक मुस्लिम युवक हिंदू किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था, जिसकी सूचना पर बीजेपी की पूर्व महापौर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली बन्ना देवी पहुंची थी, जहां उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने को लेकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की वर्दी को उनके तन से उतारकर हाथों में वर्दी थमा देने का शर्मनाक बयान दिया गया। देखिए, एक प्रीति शर्मा नाम की बिटिया है, एक अद्दू मुसलमान है और जो सारसौल मस्जिद वाली गली में रहता है, और वो कल से उस लड़की को भगा करके ले गया है, बेला फुसला करके ले गया है, और अभी तक उस लड़की का पता नहीं है। पीड़ित पक्ष लगातार थाने चौकी के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनको डांट फटकार करके कभी चौकी से थाने भेज दिया जा रहा है और थाने से चौकी। रवि नाम का एक ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा बदतमीज किस्म का व्यक्ति है, और यहाँ भी बदतमीजी की गई, क्षमा याचना के आधार पर उनको बख्श दिया गया है, लेकिन मैं हिंदी में उन लोगों को समझा चुकी हूँ कि अगर इस तरीके से, ये सपा का शासन नहीं है, गुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा। वर्दी पहनी है, वर्दी पहनते समय निष्ठा के साथ कार्य करने का प्रेरणा दी जाती है उनको, हर तरीके से एक समर्पण भाव देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति होता है, लेकिन
इस तरीके की अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो उनको सबक देना हम अच्छी तरीके। ताज नगरी आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आमंत्रण यात्रा रावली महादेव मंदिर से मनकामेश्वर मंदिर तक निकाली गई, जिसको लेकर प्रशासन ने इंस्पेक्टर रकाबगंज सीओ सदर सहित कई थानों को फोर्स मंदिर पर इकट्ठा करने और यात्रा को रोकने का प्रयास किया, जिस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट, राष्ट्रीय प्रदेश महामंत्री तपेंद्र चौहान और ब्रजेश भदौरिया की तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं महिला बिंद की प्रदेश अध्यक्ष मीना दिवाकर से भी प्रशासन की काफी झड़प हुई। इसके बावजूद भी अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने रावली महादेव मंदिर से यात्रा प्रारंभ करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे होते हुए मनकामेश्वर धाम पर यात्रा संपन्न की। जय भगवान महादेव का जलाभिषेक किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर का कहना था कि प्रशासन कितना भी रोक ले, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जलाभिषेक करके हिंदू महासभा एवं सनातन धर्म के कार्यकर्ताओं को कोई नहीं रोक पाएगा। पूरे ब्रज प्रांत से हजारों की संख्या में कार सेवक मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्र प्रवक्ता संजय जाट का कहना था कि उन्होंने आज इस यात्रा के दौरान जनता को निमंत्रण पत्र देकर 6 दिसंबर जलाभिषेक कार्यक्रम में जाने के लिए न्योता दिया है और कहा किधर है अयोध्या में पाप की निशानी मस्जिद को तोड़कर भगवान राम का मंदिर बना है, उसी तरह मथुरा में भी लड्डू गोपाल को स्थापित कर जलाभिषेक करेंगे। जिस तरह से कलंक की निशानी ईदगाह जो हमारे श्री कृष्ण की पावन भूमि पे खड़ी हुई है, उसको मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसकी आमंत्रण यात्रा के रूप में अखिल भारत हिंदू महासभा और अन्य हिंदूवादी संगठनों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 6 दिसंबर को वहाँ कार्यक्रम है, जिसके लिए सभी हिंदूवादियों और धर्म प्रेमियों का आह्वान किया गया कि 6 दिसंबर चले और इसी पाप की निशानी ईदगाह को तोड़ के हमारे कान्हा की जन्मभूमि को पुनः स्थापित करने का कार्य करें, क्योंकि अभी बिल्कुल भी कलंक की निशानी भारत में कहीं भी नहीं रहेगी। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय आह्वान पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो विवादित स्थल है वहाँ पर मूर्ति स्थापित करके जलाभिषेक का कार्यक्रम राजश्री चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा रखा गया, जहाँ समस्त देश से पूरे भारतवर्ष से पवित्र नदियों का जल लाकर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे। उसी कड़ी में यहाँ ब्रज की नगरी से हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मथुरा 6 दिसंबर के लिए आएंगे। आज हम लोग आमंत्रण यात्रा के स्वरूप में सभी आगरा के शहरवासियों को, ब्रजवासियों को। यूपी सरकार भले ही विकास और गरीब जनता के हित के लिए तरह तरह के अभियान चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन आज भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके दरवाजे तक सरकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। उन्हें कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में ही ताला लगाकर लॉक कर देते हैं, जिस कारण उन्हें सरकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और वो अपनी गरीबी की बदहाली हालत में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर जनपद के कलान तहसील के क्षेत्र गांव खजूरी के मजरगढ़ी से सामने आया है, जहां एक परिवार के पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। वहीं परिवार तक कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। तो शाहजहांपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पे कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते अब थक चुके हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि घर में गरीबी का आलम साफ दिखाई दे रहा है और गरीब लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते भी थक गए, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली है। तस्वीरें भी देख सकते हैं, कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं ये गरीब लोग, आवासीय योजना से भी वंचित दिखाई दे रहे हैं। कांति देवी, ये बताइए, ये आपकी बेटी लगभग कितने दिन से बीमार है? साल से हुई गई बीमार। किस तरीके फिर इसका इलाज करवा पाए? इलाज हमारे तेरे तो पैसे ही नहीं जो मैं इलाज कराई पाऊं मैं। वैसे आपके यहाँ किसी ने, प्रधान ने कोई मदद की है? कोई मदद नहीं, कोई सुविधा मिली है सरकार की तरफ से? मदद करी हमें प्रधान ने, काम प्रधान कही हो ही चुके। तो अब आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या कहना चाहती हैं? हमें मिले आवास, मिले लैट्रीन, मिले और रुपया, बच्चा को इलाज कराई ले तो ही जाए, हम तेरे पैसा टका भैया कर दे। बच्चा लगा इलाज। यूपी सरकार भले ही विकास और गरीब जनता के हित के लिए बात करती है, लेकिन अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, जो महिला अपना दर्द बयां कर रही है कि किस तरह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचने में विफल साबित हो रही हैं।
सरकार भले ही लाख कोशिश कर ले कि गरीब से गरीब इंसान तक अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच में जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है, गरीबों का शोषण किया जाता है, गरीब व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, या तो घूस मांगी जाती है या फिर जो है वंचित रखा जाता है इन योजनाओं से गरीब व्यक्तियों को। तो ये बात का खुलासा हो गया है। अभी पीड़िता ने जो कांति देवी हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और वो किन सुविधाओं की मांग कर रही सरकार से वो भी उन्होंने बताया। तो जनता के हित के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही सरकार, लेकिन अभी भी कई ऐसे गरीब परिवार है जिनके दरवाजे तक सरकार की मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही है। कच्चा मकान देख सकते हैं आप, शौचालय की सुविधा नहीं है, जैसा कि पीड़िता ने बोला कि शौचालय मिले, मकान मिले या फिर इलाज के लिए दवाई मिले, इलाज हो जाए, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में ताला लगाकर लॉक कर देते हैं, जो भी पैसे आते हैं गरीब लोगों की मदद के लिए वो बीच में ही गायब कर दिए जाते हैं, गरीब लोगों तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण उन्हें सरकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और वो अपनी गरीबी की बदहाली हालत से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते और एक दिन वो थक हार के अपनी गरीबी में जीने को ही मजबूर हो जाते हैं और समझौता कर लेते हैं अपनी गरीबी से। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर जनपद के कलाम तहसील के क्षेत्र गांव खजूरी से सामने आया है, जहां एक परिवार के पास रोजी रोटी का कोई साधन भी नहीं है और परिवार तक कोई सुविधा भी नहीं पहुंच पा रही है। झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है परिवार। आवास योजना जहां बहुत तेजी से सरकार चला रही है, हर एक गरीब व्यक्ति तक आवास योजना पहुंचाने की कोशिश कर रही है, रोजगार देने की कोशिश कर रही है, वो चाहे मनरेगा हो या फिर कोई भी अन्य तरीके हो, रोजगार और आवास दो सबसे मुख्य ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिससे लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका लाभ गरीब तबके तक नहीं पहुंच रहा है। ये शाहजहांपुर की इस खबर के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। गरीबी में रहने को मजबूर है ये परिवार, सरकार से उम्मीदें तो बहुत है लेकिन इन तक ये सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। जो बीच में अधिकारी हैं उनको अगर इसका जिम्मेदार ठहराया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद भी अगर किसी गरीब व्यक्ति को योजनाओं के बारे में पता है और अगर वो दफ्तर के चक्कर काट रहा है और उसके बाद भी उसे लाभ नहीं मिल रहा है तो आखिर किसी ना किसी की गलती तो है, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जनता को जागरूक किया जा सके, उनको उनके अधिकारों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जा सके, और इन सब के बावजूद जब अवगत होते हैं, जागरूक होते हैं लोग, इन सब के बावजूद भी अगर उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ ना मिले, अगर गरीब व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहे तो यहाँ पे भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं दिखता जरूर है। और ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बदहाली में रहने को ये परिवार मजबूर है, जिसकी आवाज हम उठा रहे हैं, जिस तरह से बताया है कि रोजी रोटी का उनके पास कोई जरिया नहीं है और बीमारी से लड़ रहे हैं परिवार, वो चाहते हैं कि बीमारी से इलाज हो जाए, बीमारी का इलाज हो जाए, इतनी ही जो सुविधा है सरकार की तरफ से मिल जाए, शौचालय बन जाए, कच्चे घर में रहने को मजबूर है, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, तो तमाम चीजों को लेके तकलीफों का सामना कर रहे हैं। और ये सिर्फ शाहजहांपुर की सिर्फ एक मामला नहीं है, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे लोग हैं, पीड़ित है, परिवार है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें सरकारी सुविधाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन सरकार अपनी हर तरह से कोशिश कर रही है कि गरीब से गरीब लोगों तक हर योजना का लाभ पहुंचाया जा सके, गरीब लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके, लेकिन जब लोग जागरूक होते हैं, सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं तो उनको चक्कर कटवाए जाते हैं, तमाम दस्तावेजों के वजह से उनको दौड़ाया जाता है, जब दस्तावेज भी बन जाते हैं तो उसके बाद भी उन्हें दौड़ाया इसलिए जाता है क्योंकि जो अधिकारी होते बीच में, या तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है या फिर जो है वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, मामले सामने आते हैं। तो बदहाली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां
कई योजनाएं सरकार उत्तर प्रदेश में चला रही है और दो सबसे अहम योजना है जिसको सबसे ज्यादा अच्छे से सरकार चला रही है। एक रोजगार देने की बात करती है सरकार, दूसरा आवास देने की। और जब भी हम देखते हैं मुख्यमंत्री किसी भी दौरे पर जाते हैं या फिर अगर प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश किसी दौरे पर होते हैं तो सबसे पहले अगर हम किसी योजना का लाभ लोगों को मिलते हुए देखते हैं तो वो है आवासीय योजना। घरों की चाबी आवंटित की जाती है, वितरित की जाती है और साथ ही रोजगार के अवसर लोगों को मिले इसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्यों ऐसा एक तबका अभी भी है, क्यों ऐसे कुछ लोग अभी भी हैं इस प्रदेश के कोने कोने में जिन तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, आखिर क्या वजह है? जो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास रोजगार की कमी है, तो उन तक सारी सरकारी सुविधाएं, वो चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, तो वो कैसे पहुंचेगी? जहां योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, एक तरफ चुनावी माहौल है, सिर्फ सत्ता ही नहीं विपक्ष भी लगातार हर जिलों का कोने कोने में दौरे करते हुए सभी नेता नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार के बड़े अधिकारियों से लेके छोटे अधिकारी, विधायक से लेके सांसद से लेके बड़े नेता तक दौरों का दौर शुरू कर चुके हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं, विकास का मुद्दा बताया जा रहा है जबार राजनीति में, इन सबको देखने के बावजूद अगर विकास नहीं हो पा रहा है, गरीब लोग अभी भी पीड़ित है, तो इसकी वजह क्या है? क्या अभी भी भ्रष्टाचार है? जब भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहती है सरकार तो आखिर ये तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं? सिर्फ इतना ही नहीं है, चुनावी वक्त है, दौरे चल रहे हैं सत्ता और विपक्ष दोनों के, तो दोनों में से किसी ने इस बात की सुध क्यों नहीं ली? तो ये तमाम सवाल है, आखिर क्यों पीड़ित हो रहे हैं लोग, लगातार क्यों वंचित हैं? और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता आर्येंद्र जुड़ चुके हैं। आर्येंद्र, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे जो ये पीड़ित परिवार है, इन्हें किस तरह की आशाएं हैं सरकार से? आर्येंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तो जो ये पीड़ित परिवार है जिनकी आपने हमें तस्वीर दिखाई, उन्होंने अपना दर्द बयां किया, तो वो क्या आशा रखती है सरकार से? देखिए, कहीं ना कहीं इनको देखा जा रहा है कि जो इनके पास है सरकारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो नहीं पहुंच रही हैं और इनको आवास नहीं मिला है अभी तक। जहां तक अभी लेट जो है इनको अभी तक जो शौचालय तक का सुविधा नहीं पहुंची है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है सरकार की मूलभूत सुविधाएं सरकारी हैं वो इन तक नहीं पहुंच रही है, जबकि चुनावी दौर भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो एक लगभग चार बेटियां थी जिनकी दो शादियां हो चुकी हैं, दो अभी कुमारी हैं, जिसमें एक बेटी का लगभग दो साल से इलाज चल रहा है। ये जो गहने थे वो तक बेच दिए इन्होंने, चार बीघे लगभग जमीन है इनकी, तो वो भी इसमें इतनी कंगाली पे आ चुके हैं कि अभी तक कोई भी समाज सेवी हो या नेता हो या प्रधान हो, कोई भी इन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, जिससे अपनी गरीबी हालत में आंसू बहा रहा है परिवार। और लगभग ये आज से नहीं, लगभग 20-25 साल से ऐसा परिवार जी रहा है, कई प्रधान पंचवर्षीयों की जिम्मेदारी इसमें ठहराएगी, लेकिन कोई इन तक जिम्मेदारी नहीं पहुंची सरकार की है। जी, और इन गरीब परिवारों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, वो चाहे रोजगार से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, या फिर कन्याओं के भविष्य को लेकर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, तो क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? क्या ये जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को और सरकारी योजनाओं को लेके परिवार, या फिर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं? गरीबों तक है जो उनकी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, आवास की हो चाहे शौचालय की हो, क्योंकि सरकार 2014 में जब आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि सबसे बड़ा यानी कि हमारा योगदान रहेगा वो गरीबों के हित के लिए रहेगा, चाहे वो शौचालय हो या फिर वह आवास के लिए हो, चाहे वो कोई भी यानी कि अभियान हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अधिकारियों की जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी मनमानी के चलते या जो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण भाई अपनी बदहाली पर हमेशा गुजार बसर करते हैं। इस समय जो तस्वीरें देख रही है शाहजहांपुर की, वो तस्वीर में देखा जा सकता है कि आज से लोग 25 साल ऐसे ही परिवार जी रहा है, पन्नी पड़ी हुई है, और यहाँ तक कि जो चुनावी दौर चल रहा है, जो पार्टियां कई हैं उसमें लोगों को लुभाने में जुटी हैं, तरह तरह के अभियान की हमें ये मुद्दा है हमारा विकास करवाएंगे, लेकिन इन तक वोट मांगने के बाद कोई ऐसा परिवार के पास, इनके पास कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं पहुंचता है जिन तक सरकार की सुविधाएं इन तक पहुंचाई जा सके। जी आर्यन, जिम्मेदार व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक तरफ विकास की बात करी जाती है सरकार के द्वारा, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका क्या दायित्व है, वो कहां गायब है? देखिए, लगभग
लगभग चुनाव से लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, तो कोई भी ऐसा यहाँ के जो विधायक हैं, इस 132 विधानसभा जलालाबाद के विधायक शरदवीर हैं, लगभग यहाँ पर 4.5 साल कार्यकाल को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे है जो अब चुनावी दौर है तो जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उस गाँव में लोगों का कहना है कि विधायक जी का आगमन नहीं हुआ वोट को लेकर के, कि वोट मांगने भी आए, लेकिन शुरू में पहले तो सभी से वोट मांगने की अपील की गई थी, चुनाव जीतने के बाद यहाँ कोई जनप्रतिनिधि यानी कि अपना जिम्मेदारी अपना निर्वहन करने यहाँ गरीबों के घरों तक नहीं जाता है। जी, तो क्या विपक्षी पार्टियों के कोई नेता, विधायक, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आता है, वादे करता है? जी, वादे तो कई करते हैं, इस समय जो है 10-15 लगभग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं जनप्रतिनिधि और संपर्क कर रहे हैं, लोगों को रिझा रहे हैं कि चुनावी दौर है, तो ये चुनावी दौर में कहीं ना कहीं चुनावी दौर तक ही सीमित समय तक रह जाता है सिमट कर, और ये जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जीत हासिल करके जाता है इस विधानसभा क्षेत्र से तो इसके बाद दोबारा उस गाँव की तरफ मुड़कर नहीं देता, जिसकी कंगाली पर ये जो गाँव वासी है वो अपनी परेशानियों का सामना आए दिन हमेशा करते चले आ रहे हैं। तो आखिर इसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि गरीबों का भला हो और सिर्फ वादे करके जो जनप्रतिनिधि है वो चले ना जाए, अपनी जिम्मेदारी को समझें? जी, तो ऐसा देखिए कहना कहीं देखने को मिलता है कि ऐसे कोई जिम्मेदार अभी तक इस क्षेत्र के लिए नहीं हुआ है जो सही से जिम्मेदारी सोचे, और जिम्मेदार को अभी हाल ही में ही सीएम योगी आदित्यनाथ का आना हुआ था जलालाबाद क्षेत्र में, जो लगभग कई करोड़ों की सौगात देकर गए हैं, लेकिन जो देखा जाता है कि इतनी सौगातें जो दी हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है क्षेत्र में आवंटित नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, जिस कारण ये आए दिन ऐसी जो है तस्वीरें देखने को मिलती रहती हैं, जबकि ग्राम प्रधान को भी इसमें जो डीएम द्वारा अवगत कराया जाता है कि जो गरीब आवास जो लोग हैं उनको आवास पहुंचाया जाए, लेकिन उन तक आवास पहुंचाने में कहीं ना कहीं प्रधान की भी इसमें भूमिकाएं रहती हैं और सेक्रेटरी की भी रहती है कि इसको आवास को सही तरीके से जिसको जिम्मेदार है वास्तविक है जिसको देना है उसको पहुंचाया जाए। आर्यन, दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं कि गरीब से गरीब लोगों तक हम सारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने ये जो तस्वीर सामने लाई है ये कई सवाल खड़े करती है, हम ये जानना चाहेंगे कि जो सरकारी दफ्तर है उनके क्या हाल है? दफ्तरों की बात की जाए तो वहाँ खाना पूर्ति सिर्फ की जाती है, वहाँ अगर कोई पीड़ित परिवार अपना जाता है आवास को लेकर होता है कोई समस्या को लेकर जाता है तो उसे वहाँ या तो जाने नहीं दिया जाता है, उसे पहले ही किसी के द्वारा रोका जाता है, और इसके बाद अगर पहुंच जाता है तो उससे आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन ऐसा जो है देखने को नहीं मिलता है, वो सिर्फ हवा हवाई और कागजों में ही सीमित समय दिखाया जाता है, पात्रों का पात्र कर दिया जाता है और जो अपात्र होता है उसे पात्र का दर्जा देकर उसे मकान जो आवास है मुहैया करा दिया जाता है। तो आर्यन, हम ये सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से योजनाएं ला रही है, लोगों के लाभ के लिए, हितों के लिए काम कर रही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लाभ पहुंचने नहीं दे रहे गरीबों तक। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आर्यन जुड़े थे शाहजहांपुर से। तो ये तस्वीर हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई है, ये बताती है कि सरकारी योजनाएं तो लाई जा रही हैं, लोगों के विकास की बात करी जा रही है, गरीबी मिटाने की और गरीबों के लाभ की, गरीबों को आगे बढ़ाने की बात तो करी जा रही है, कई योजनाएं भी लाई जा रही है, लेकिन इसका लाभ कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच नहीं रहा है और लोग अभी भी सरकार से आशा लगाए बैठे हैं कि एक ना एक दिन उनकी सुनी जाएगी, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति गायब है। रुक करते अगली खबर की तरफ। सुल्तानपुर में किसान नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश में यह हत्या हुई है। दरअसल ये मामला कादीपुर कोतवाली का है। इसी कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर बनके गांव के रहने किसान नेता रामशीष वर्मा किसान नेता निराला नगर मोहल्ले से आड़त की दुकान पर बैठे हुए थे। इसी बीच बाइक सवार बदमाश पहुंचा और राम आशीष को गोली मार दी। इस घटना ने गोली लगने से राम आशीष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। थाना कादीपुर क्षेत्र के अंतर्गत बनके गांव के निवासी राम आशीष वर्मा पुत्र राम वरण वर्मा जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उनकी कादीपुर कस्बे में एक दुकान है जहां वो मोटरसाइकिल पर बैठे थे, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक आज एसडीएम के न्यायालय में कादीपुर अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए हुए थे और वहां से लौटकर अपनी दुकान पर बैठे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक का बनके निवासी ही धर्मपाल वर्मा, श्याम बहादुर वर्मा, अमर बहादुर वर्मा और राम अरज वर्मा आदि से भूमि विवाद चल रहा था।
इस संबंध में परिजनों द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। परिजनों की तहरीर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। राजीव, क्या है पूरा मामला, किस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया? जो किसान नेता रामतीश वर्मा थे, ये जो है बैठे हुए थे जो है, और तीन अज्ञात वर्मा जो है मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने आकर इस नेता को गोली मार दी और जहां पे घटना स्थल पर ही इनकी मौत हो गई। शिखा जी जी बिल्कुल, और पुलिस इसमें अब आगे क्या कार्रवाई कर रही है? राजीव जी, पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है, पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़े थे सुल्तानपुर से। ताज नगरी आगरा के थाना डॉकी के बमरौली कटारा में मकान मालिक ने एक युवक को चोर समझकर गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि थाना एतमादौला के ट्रांस यमुना निवासी हर्ष श्रीवास्तव अपने साथी मित्र पवन शर्मा के साथ थाना डॉकी के बमरौली कटारा इलाके में पोस्टर चिपकाने के लिए गया हुआ था। पवन और हर्ष श्रीवास्तव कोचिंग में फ्लेक्स में चिपकारी का काम करते और दोनों युवक रात को मकान में एक दीवार पर कोचिंग के फ्लेक्स चिपका रहे थे। तभी वहां मौजूद एक शख्स ने युवकों को चोर समझकर उन पर गोली चला दी, जिसमें हर्ष को गोली लग गई, जिससे हर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है आगरा से। ममता, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले में? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ममता से। आपको बता दें कि युवक पोस्टर चिपकाने का काम करते थे, कोचिंग का पोस्टर लगाने के लिए रात में गए हुए थे, जब उन्हें चोर समझकर उन पे गोली चला दी गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और इस खबर पे हम आपको बता दें कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से ये मामला हुआ है। आपको बता दें कि चोर समझा गया, जिसकी वजह से गोली चला दी, लेकिन जो युवक था वो कोचिंग के पोस्टर चिपकाने का काम करता था और रात का समय था, जिस वजह से ये गलत फहमी हुई है। ताज नगरी आगरा के थाना डॉकी के बमरौली कटारा में मकान मालिक ने एक युवक को चोर समझकर गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल को सुबह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और थाना एतमादुल्ला के ट्रांस यमुना निवासी हर्ष श्रीवास्तव अपने साथी मित्र पवन शर्मा के साथ थाना डॉकी के बमरौली कटारा इलाके में पोस्टर चिपकाने के लिए गया हुआ था। पवन शर्मा और हर्ष श्रीवास्तव कोचिंग में फ्लेक्स चिपकाने का काम करते थे। दोनों युवक रात को मकान के एक दीवार पर कोचिंग का फ्लेक्स ही चिपका रहे थे, तभी वहां मौजूद शख्स ने युवकों को चोर समझकर उन पर गोली चला दी। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं आगरा से। ममता, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर पे? जी सिखा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये आगरा के थाना डॉकी क्षेत्र के बमरौली कटारा चौकी के पास की पूरी घटना है, जहां दो युवक देर रात जो अपेक्स जो कोचिंग सेंटर है उसके फ्लैक्स चिपकाने के लिए निकले थे, तो इसी को लेकर रात को देखते हुए रात के अंधेरे में जब वो देखा, जिस मकान पर चिपका रहे थे उन्होंने देखा कि ये चोर समझा उनको और चोर समझकर उनको बिना कुछ पूछे बताए ही उनमें गोली मार दी, जिसमें हर्ष श्रीवास्तव के पेट में गोली लगी है और वो गंभीर रूप से उसी समय घायल हो गए। इसी जिसके बाद थाना पुलिस को सूचना की गई और पुलिस के द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी ममता, जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई गई तो वो क्या लाइसेंसिंग थी? जी बिल्कुल, उनका ये घर की ही कोई असला था, उनका जो लाइसेंसी जो असला था, तो उसी को लेकर उन्होंने उधर देखा जा रहा है कि चोरी की जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, आए दिन होती जा रही है, तो इसी को लेकर बिना कुछ बताए और पूछे अचानक से उसके पेट में गोली मार दी। जी ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी चोर पर गोली चलाई जा सकती है या आत्मरक्षा में ही सिर्फ गोली चलाई जा सकती है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है पूरी तरह से। जिस तरह के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो फिलहाल अधिकारी मिल नहीं पाए हैं वहाँ मौके पर, तो जिस तरह उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आत्मरक्षा के लिए ही गोली चलाई जा सकती है,
कि बिना कुछ इस तरह बिना पूछे बताए कि कौन है क्या है, इस तरह से नहीं चला सकते गोली। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आगरा से ममता जुड़ी थी। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में भारतीय एग्रो फार्मा दवा बनाने की कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। यहां कढ़ाई में तेल गर्म करने के दौरान तेल ज्यादा गर्म हो गया, जिससे वहां आग लग गई और मौके पर काम कर रहे 7 मजदूर झुलस गए। इस घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल उर्सला में चल रहा है, जहाँ एक मजदूर की हालत नाजुक बनी हुई है। कौन सी फैक्ट्री है, क्या बनता था वहाँ? ये दवा फैक्ट्री है, तेल में किसी पता नहीं कैसे कोई आग लगी तो उसमें हुआ है। अभी इलाज चलने दीजिए, सब मरीज ठीक हो रहे हैं। लापरवाही, अभी मैं उस समय नहीं था, अभी देखते हैं। आग तेल में कुछ आग पता नहीं कैसे पकड़ लिया, वो अभी देख पता बात करेंगे। इन्हीं लोग के बीच में हुआ हादसा, अभी इन्हीं को मालूम होगा। बॉयलर नहीं फटा है कोई, जो तेल एक दवाई बनाई जाती है, दर्द का तेल है, उसी तो तेल गर्म करने के दौरान यह हादसा हुआ है। और कानपुर से संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रिजवान, किस तरह से यह आग लगी है, क्या लापरवाही थी या क्या कुछ मामला है? गया है संवाददाता से, तो आपको बता दें कि कानपुर से ये घटना सामने आई है, जहां पे 7 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तेल गर्म करने के दौरान यह हादसा हुआ, जब वो तेल ज्यादा गर्म हो गया तो वहां आग लग गई। 7 मरीज झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के भारतीय एग्रो फार्मा दवा बनाने की कंपनी में ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि तेल ज्यादा गर्म हो गया था, यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म करने के दौरान यह हादसा हुआ है। आग लग गई और मौके पर काम कर रहे 7 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई और हादसे की जानकारी मिलते ही सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और घायलों का इलाज जिला अस्पताल उर्सला में चल रहा है, जहाँ एक मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है और सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो कानपुर की दवा फैक्ट्री में ये हादसा हुआ है, जहां ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था, तो किसी न किसी तरह की लापरवाही सामने आ रही है। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, भारतीय एग्रो फार्मा दवा बनाने वाली कंपनी का ये मामला है। और हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं कानपुर से। रिजवान, किस तरह ये आग लगी? सबसे पहले शिखा जी बता दूं, ये हादसा रायपुरवा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर तेल खोलाते टाइम वो तेल छलकता है, छलकने की वजह से इसमें 7 मजदूर झुलस जाते हैं। जी, तो जिस व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है, अभी उसकी हालत कैसी बनी है? अभी भी डॉक्टरों ने उसकी हालत को अच्छा नहीं, एकदम नाजुक बता रहे हैं। अभी डॉक्टर का कहना है उसके साथ 2 लोग और हालत नाजुक, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। जी, कुल कितने लोग झुलस गए इस हादसे में रिजवान? इस हादसे में 7 लोगों को लोग थे। क्या यहाँ पे किसी तरह की लापरवाही थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ है? हादसा तेल खोलते टाइम दोबारा इसमें तेल डाला जा रहा था, जब यह हादसा हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता रिजवान जुड़े थे कानपुर से। कोरोना महामारी के कारण सभी लोग मनोरंजन के कार्यक्रम से दूर हो गए थे, लेकिन फरुखाबाद में युवा जन कल्याण विकास समिति ने डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन किया। इसके साथ ही फैशन वॉक का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया, जबकि आयोजकों ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में खुशियां बांटना है। थोड़ा बता दीजिए, युवा जन कल्याण विकास समिति और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके थ्रू हमने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है, और इसका एकमात्र उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद जो अवसादग्रस्त लोग हैं, लोग बहुत परेशान हैं, उलझने हैं, बहुत सारी समय नहीं दे पा रहे हैं अपनों को, तो उस अपनों के बीच में अपना मनोरंजन करने के लिए सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से ही कार्यक्रम किया गया कि परिवार के साथ संगठित होकर सभी लोग एक साथ अपने परिवार के साथ, दूसरों के लोगों के साथ, अपने मित्रगणों के साथ एक साथ मिलकर कर यहाँ पर एंजॉय करें और आराम से मनोरंजन करके अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं, खुश रहें अपनी लाइफ में। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि खुश होने का मौका ढूंढिए और जहाँ मिल जाए वहाँ पर मौका छोड़िए मत, बस एंजॉय करिए।
फरुखाबाद में पुलिस अभिरक्षा में आरोपित ने आत्महत्या का प्रयास किया। दरअसल थाना नवाबगंज में पुलिस अभिरक्षा में थाने के अंदर आरोपित युवक ने डाई पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए CHC नवाबगंज में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए आरोपी को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया है। 27/11/2021 को अपराह्न में वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र लाला राम निवासी बछड़िया IPC धारा 376 धारा 5/6/501 में वांछित था, उसको हिरासत में थाने लाया जा रहा था। तो रास्ते में अचानक उसने डाई पीली छिपाई हुई रखी थी, उसको छीन कर फेंका गया और उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में दिखाने के बाद उसका स्वास्थ्य ठीक है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।